जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं झारखंड में मुख्यमंत्री पेट्रोल सब्सिडी योजना के बारे में। जी हाँ, ये योजना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज इसका शुभारम्भ किया जा रहा है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है, कौन कौन से लोग इसमें लाभुक होंगे, किनको किनको ये योजना का लाभ दिया जाएगा और आपको आवेदन कैसे करना है, वो मैं सब कुछ इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कैसे कैसे आप योजना के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस योजना का बेसिक उद्देश्य ये है कि झारखंड में वैसे राशन कार्डधारी जिनके पास ग्रीन राशन कार्ड हो, पीला वाला राशन कार्ड हो और गुलाबी राशन कार्ड हो, सफ़ेद राशन कार्ड को छोड़ करके सभी पात्र होंगे यहाँ पर पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए। तो यहाँ पर जो पेट्रोल सब्सिडी योजना है, इसमें सरकार की तरफ से 25 रुपए की सब्सिडी आपको पर लीटर के माध्यम से महीने में 10 लीटर का अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं 10 लीटर अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं तो 25 गुना 10 मतलब 250 रुपए आपको पर महीने के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से। और ये जो सब्सिडी है वो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगी। जैसे हम लोग गैस का अपना पेमेंट करते हैं, फुल पेमेंट करते हैं, उसके बाद जो सब्सिडी होती है वो हमारे बैंक खाते में आ जाती है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाला है। आपके जो बैंक खाता लिंक होगा राशन कार्ड से, उसमें आपको ये सब्सिडी की जो पैसा है 250 रुपये आपको वो आएगा। आपको पेट्रोल पंप में पूरा रेट देना पड़ेगा, अगर आपका 100 रुपये का पेट्रोल है तो आप 100 रुपये के हिसाब से ही अपना तेल खरीदेंगे, बाकी बात जो सब्सिडी है 25 रुपये के हिसाब से आपको 25-25 अगर महीने में आप 10 लीटर भराए तो आपको 250 रुपये आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको मैं बताया कि ये राशन कार्ड जरूरी है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं, राशन कार्ड अगर आपके पास है तो उसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके राशन कार्ड में अगर मान लीजिए 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य का आधार नंबर उनके राशन कार्ड से बिल्कुल लिंक होना चाहिए, एकदम सही सही। उसके बाद अगर आपका राशन कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखे हैं। अगर आपका इसमें से कोई एक प्रॉब्लम हो तो आप इसको ऑनलाइन आपके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके राशन कार्ड में आपका आधार नंबर लिंक नहीं है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके इसको जुड़वा सकते हैं, या आप अपने निकटतम राशन खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर के भी आवेदन करवा सकते हैं। ये आपको करना जरूरी है। उसके बाद जो भी सदस्य आवेदन करेंगे उनके पास अपना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इस तरीके का। उसके बाद आपके पास अपना ये राशन कार्ड होना चाहिए, ये राशन कार्ड इस तरीके से आपके पास हो। उसके बाद आपके गाड़ी का आरसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपके गाड़ी का ऑनर बुक होना चाहिए। ऑनर बुक जिसमें इंजन चेचिस नंबर वगैरह रहता है वो ऑनर बुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, आपका अपना आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अब ये जो राशन कार्ड है, ये इस राशन कार्ड में जिस सदस्य के नाम से भी आपका राशन कार्ड है उनका आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारी प्रोसेस मिलेगा, वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। आवेदन करने के लिए देखिए इतना डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। अब आप लोगों के मन में ये भी आएगा कि क्या इस योजना का लाभ केवल हम एक बार ही ले सकते हैं, तो जी नहीं, ये सरकार की तरफ से योजना है जो कि हर महीने आपको दी जाएगी। अगर आपका क्राइटेरिया इस तरीके से फुलफिल आप कर देते हैं तो हर महीने आप एलिजिबल होंगे, जब तक कि सरकार की योजना चलेगी तब तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब इस योजना का जो आवेदन है आपको करना कैसे है, तो देखिए इस योजना का आवेदन आप एक ऑनलाइन ऐप है, आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके का ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके आप वहां से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप झारखंड राज्य की ऑफिशियल खाद्य आपूर्ति विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप लॉगिन करके इस योजना का लाभ ले सकते हो। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप चाहें तो वहां से भी जांच के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए देखिए आपको बहुत सिंपल सा कुछ कुछ स्टेप्स का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट कर लेना होता है। सबसे पहले आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो, और दूसरा चीज आपका जो बैंक खाता है उसमें आधार नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है इस योजना का लाभ लेने के लिए। अगर आपके बैंक खाते में आपका आधार नंबर लिंक नहीं है तो आप उसको आज ही लिंक करवाएं, क्योंकि सरकार है वो आपको आधार नंबर के माध्यम से ही आपकी सब्सिडी योजना भेजती है आपके बैंक खाते में, तो आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए। अब कुछ और भी कन्फ्यूजन है लोगों के मन में, वो मैं आपको दूर कर देता हूँ इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए
एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या हम इस योजना का लाभ ले, क्या हम एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं, बशर्ते आपके पास केवल टू व्हीलर होना चाहिए। अब लोगों के मन में ये भी आएगा कि यार मेरे पास टू व्हीलर है, सरकार को हम रिकॉर्ड दे देंगे तो सरकार मेरे कल को हो सकता है राशन कार्ड बंद कर दे, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करे। तो जी नहीं, सरकार की ये योजना बिल्कुल, आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि सरकार के कंडिका में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास टू व्हीलर तक का गाड़ी है तो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। टू व्हीलर से ज़्यादा आपके पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना आप राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे, अयोग्य घोषित किए जाएंगे। तो टू व्हीलर वाले बिल्कुल आराम से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये योजना केवल पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए ही दी जा रही है, डीजल गाड़ियों पे ये योजना का कोई भी सरकार का अभी प्लान वगैरह नहीं है। फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ बात करूँगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, अप्लाई करना कैसे है। देखिए, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, या आप चाहें ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इस योजना के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये झारखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं नीचे आपको दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, jsfss.jharkhand.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट पर चले आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इतना सारा ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आप कार्ड होल्डर लॉगिन है। तो देखिए यहाँ पर आप इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको कार्ड होल्डर लॉगिन पे ही आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आपसे आपका राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो आप अपने राशन कार्ड का जो भी नंबर है वो अपना 20200 करके ऐसे चालू होता है, वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आप अपने कार्ड का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका ग्रीन राशन कार्ड है या व्हाइट वाला है या गुलाबी राशन कार्ड है। तो आप गुलाबी है तो पीएच में आ जाएंगे, अगर पीला वाला है तो AAY अंत्योदय हो गया, और सफ़ेद है तो आप सफ़ेद में, ग्रीन है तो ग्रीन वाले में सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मेरा गुलाबी राशन कार्ड है तो मैं पीएच हूँ तो पीएच वाले पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर उस सदस्य का आधार नंबर का लास्ट 8 डिजिट आपको इंटर करना है जिनके नाम से ये राशन कार्ड इशू हुआ है, जिनके नाम से भी ये राशन कार्ड है उनका लास्ट का आधार का 8 डिजिट आपको यहाँ पर डालना होता है। नीचे आपको कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चे को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आप नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर जाएंगे, यहाँ पर आपको आपका राशन कार्ड का सारा डिटेल, आपको नाम, आपके कार्ड का टाइप, पीएच मतलब ये गुलाबी राशन कार्ड है, अगर आपका ग्रीन रहेगा तो ग्रीन दिखेगा, अंत्योदय वाला अगर आपका पीला कार्ड रहेगा तो AAY आपको दिखेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे चले आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स में आपको सारा नाम दिखेगा, जितने भी सदस्य आपके राशन कार्ड में है यहाँ पर सबको आप सबका आपका देख सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर भी आपके राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देना है, मोबाइल नंबर आपके राशन कार्ड से और प्लस आधार नंबर लिंक होना चाहिए। जो भी सदस्य आवेदन करेंगे खास करके उनका मोबाइल नंबर राशन कार्ड में लिंक होना बहुत जरूरी होता है, और बाकी बात सभी सदस्यों का आधार नंबर भी इसमें लिंक होना चाहिए। अगर ये आपका सारा डिटेल सही है तो आप आगे के लिए आवेदन कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर देखिए अगर आपका बैंक खाता आपके राशन कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आप चेंज बैंक अकाउंट डिटेल्स में भी यहाँ पर जाकर के अप्लाई करेंगे और आप बैंक अकाउंट अपना चेंज कर सकते हैं या नया अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह कोई गड़बड़ी है तो आप यहाँ से सारे चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे पेट्रोल सब्सिडी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपडेट व्हीकल डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपडेट व्हीकल डिटेल्स में क्लिक करेंगे, आपका डिटेल यहां पर दिख जाएगा। नीचे हम लोग आएंगे, नीचे आने के बाद आपको अपने किसी भी सदस्य का एक आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिनके जिनका आधार कार्ड आपके पास में हो उनका नाम आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो उनका लास्ट 2 डिजिट यहां पर आपको दिखेगा, सेम वही आधार नंबर आपको यहां पर इंटर कर लेना है। आधार नंबर आप यहां पर इंटर करेंगे और यहां पर वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई होने के बाद देखिए आपके सामने एक नीचे स्टेप 2 का ऑप्शन खुलेगा, ये पहला स्टेप 1 था, स्टेप 2 आपको यहाँ पर खुल चुका है। तो हम लोग नीचे चले आते हैं, नीचे आने के बाद आप जिस सदस्य का यहाँ पर आपके पास किसी भी एक सदस्य को ही आवेदन करना है, तो आप जिसका भी ड्राइविंग लाइसेंस हो, सदस्य का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, उसके साथ ही साथ इनका आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इन्हीं के नाम से गाड़ी भी इशू हो, गाड़ी भी झारखंड का ही होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर जैसे मैं एक सदस्य का नाम सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर इनके राशन कार्ड में जुड़ा होगा उस पे एक OTP जाएगा। देखिए OTP यहाँ पर सक्सेसफुली जा चुका है, तो अब हम लोग उस OTP को अपने पास में रखेंगे, बाकी बात उस OTP को यहाँ पर नीचे आपको इंटर करना है। अब हम लोग यहाँ पर गाड़ी का नंबर सेकेंड स्टेप में व्हीकल नंबर इंटर कर लेते हैं।
अब हम लोग यहाँ पर गाड़ी नंबर इंटर करते हैं। गाड़ी नंबर आपका झारखंड में ही रजिस्टर होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान से देख लेना है। गाड़ी नंबर इंटर करने के बाद गाड़ी का ऑनर यहाँ पर जो भी जिनके नाम से भी गाड़ी आपका आरसी में नाम देखिएगा वही नाम आपको यहाँ पर होना चाहिए जिनका भी आप सिलेक्ट किए हैं। जैसे ऊपर आपको ये अगर सोहन कुमार नाम दिख रहा है तो सोहन कुमार के नाम से ही गाड़ी भी होनी चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद सन या डॉटर या वाइफ ऑफ, अगर मान लीजिए आप आदमी हैं तो आप अपने पिता का नाम जो भी है ऑनर बुक में लिखा होगा वही नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। तो जैसे ये पुरुष हैं तो इनके पिताजी का नाम यहाँ पर हमने इंटर किया, आप यहाँ पर देखिएगा सब चेकबॉक्स ओके हो रहा है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको डीएल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। डीएल का नंबर मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर होता है आपको वो आप अपना यहाँ पर इंटर करेंगे। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पर ओटीपी के लिए है, तो जो ओटीपी आपने यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक किया था, ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया था, वो ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर आप ओटीपी को इंटर करेंगे, फिर देखिए एक आपको टिक मार्क यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए अपडेट व्हीकल डिटेल नंबर आपको यहाँ पर है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पर आप जैसे देखेंगे आपका सक्सेस होगा, द रिक्वेस्ट टू अपडेटेड व्हीकल डिटेल्स फॉर मेंबर अशोक यादव, इस तरीके से आपको नाम दिख जाएगा और ये सेंड सक्सेसफुली, ये आपका आगे का प्रोसेस ये हो चुका है। जो आपका DTO ऑफिस वगैरह होगा वहां पर ये डाटा चले जाएगा, वहां आपका डाटा मैच किया जाएगा आपके गाड़ी नंबर से आपके नाम को मैच किया जाएगा। अगर ये सब कुछ मैच कर जाता है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है, तब आप यहाँ पर इलिजिबल होंगे इस योजना के लिए। अब आप चेक कैसे करेंगे कि आपका स्टेटस कहां पर है, क्या हुआ नहीं हुआ, तो यहां पर आप देख सकते हैं पेट्रोल सब्सिडी स्टेटस है, यहां पर आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे वाले ऑप्शन में सिलेक्ट मंथ या ईयर यहां पर आपको सिलेक्ट करना होता है, तो जैसे यहां पर आप जनवरी है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपका नाम दिखाएगा, यहां पर आपका व्हीकल नंबर, स्टेटस में देख सकते हैं अभी आपका पेंडिंग दिखा रहा है। पेंडिंग मतलब अभी आपका ये अप्रूव नहीं हुआ है, जैसे आपका ये अप्लाई सक्सेसफुल अप्रूव हो जाएगा तो यहां पर आपको अप्रूव करके ऑप्शन दिखेगा और आपको सब्सिडी कितना दिया जा रहा है वो भी आपको दिखेगा। तो ये एक पूरा योजना था जो कि बहुत अच्छी योजना है और आज से सरकार 26 जनवरी से इस योजना का जो भी पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करना चालू कर दी है। तो अगर आपने भी अभी तक अपना चेक नहीं किया तो सेम आप इसी तरीके से आप अपने राशन कार्ड को लॉगिन करेंगे और वहां से चेक कर सकते हैं कि आपका सब्सिडी का पैसा आया या नहीं आया है अभी तक। ये बहुत अच्छी जानकारियां थी और जो आप अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इस योजना का लाभ बहुत बेधड़क होकर के उठाइए, बिना किसी हेजिटेशंस के। इसमें कोई भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई एक्शन आपके खिलाफ में नहीं लिया जाएगा। और बाकी बात फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, हमसे कमेंट कीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसी तरीके की और भी जानकारियां पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।